हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे, दैट इज़ द अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको पावर की फॉर्म में दे दी जाए तो। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो क्वांटिटी को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सेम आया था हमारा, मल्टीप्लाई और डिवीजन का फॉर्मूला सेम आया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर। अगर पावर की फॉर्म में कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए तो उसका न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो लगभग डिवीजन और मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला बन के आया था, पावर का भी वैसा ही आएगा, एक हल्का सा चेंज आएगा। तो हल्का सा चेंज को ही मैं डेराइव करवाने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल अभी नहीं करवाए हैं मैंने, समेशन कह लो या एडिशन कह लो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और पावर ऑफ 10 के न्यूमेरिकल में एक साथ ही करवा लूँगा, ठीक है आपको। तो चलिए देखते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड से करूंगा मैं। मान लीजिए कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी एडिशन में, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, एडिशन में मैं ये दो फिजिकल क्वांटिटी लेता था, सब्ट्रैक्शन में ये लेता था, मल्टीप्लाई में ये लेता था और मैंने डिवीजन में ये लिया था। याद आया कुछ? ये चारों केस मैंने स्टार्टिंग में लिए थे हमारी जर्नल फॉर्म। अब मैं कर रहा हूं पावर में, तो पावर की मैं लूंगा a रेज टू पावर n। मैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी का पावर सॉल्व करवा देता हूँ। सिमिलरली फॉर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पावर में आएंगी, वो सबका सेम ही मेथड हो जाएगा। a रेज टू पावर n, इसको मैंने जड़ के बराबर मान लिया, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी भी चीज की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है आपको, क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू पावर क्यूब, पावर में आ गया। तो सोचो जरा, अगर क्यूब की लंबाई जो कि a से रिप्रेजेंट मैंने कर रखी है, अगर उसमें एरर आ गया, तो उस लंबाई में अगर एरर है तो जो रिजल्ट आएगा वॉल्यूम के केस में, वो भी तो एरर में आएगा। ये बहुत बातें मैं बता चुका हूँ, अगर इनमें एरर है तो रिजल्ट में भी एरर आएगा, अगर इनमें एरर है तो भी रिजल्ट में एरर आएगा, ये पहले से डिस्कस हो चुका है। तो अगर एज क्यूब की एज यानी साइड में एरर आ गया, तो वॉल्यूम में भी एरर आना स्वाभाविक है। तो वही केस यहाँ पे है, अगर a में एरर आ गया तो जड़ में भी एरर आएगा। तो लिख सकता हूं डेल a और डेल जड़ क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट एरर इन a एंड जड़, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जर्नल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, मेजर्ड फॉर्म में, जैसे जड़ है तो अगर इसमें एरर आ गया तो उसको ऐसे लिखूंगा। जिसको नहीं समझ में आया वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला केस जिसको समझ में आ गया, उसके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही चलेगा। यहाँ ए प्लस डेल ए की रेज टू पावर एन। अब सॉल्यूशन करने का तरीका देखना, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल, यहां से मैं a बाहर ले रहा हूं, a कॉमन ले रहा हूं, तो a जब कॉमन आएगा तो a रेज टू पावर, ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर n की पावर है, जब a बाहर आएगा तो a रेज टू पावर n बन के आएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस डेल a अपॉन a की पावर है, कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या होगा, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, इस पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा हूं z से, और इस पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा हूं a रेज टू पावर n से। मॉडिफाई करने के लिए ऐसा किया जाता है, सिंपल तरीका है, ज्यादा अर्ज नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय z और राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आएगा, 1 प्लस माइनस डेल z कॉन z इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 k
क्या बचेगा, 1 प्लस डेल ए अपॉन ए रेज टू पावर एन, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस, ठीक है 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा डेल जेड जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, चलो इसको यही रहने दो फिलहाल। अब ये देखिए, ये कल मैंने जब मल्टीप्लाई वाला केस करवाया था आपको याद होगा तो किस तरीके से हमने सोल्व किया था, देखिए मैंने बताया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, जब पावर में चली जाती है कोई भी तो उसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड इजिली कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज पावर आगे, सेकेंड टर्म एज इट इज और प्लस फिर तो हायर पावर आ जाती है, वो हम फिजिक्स के अंदर लेके नहीं चलते, हम दो ही टर्म लेके चलते हैं। तो इसको भी मैं ऐसे ही सोल्व करने जा रहा हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस माइनस पावर आगे आ जाएगी और सेकेंड टर्म एज इट इज, ठीक है वन की मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ क्या रिजल्ट आएगा डेल जेड अपॉन जेड एन डेल ए बाई ए, और आपको मालूम है अगर डेल जेड बाई जेड, व्हाट इज दिस डेल जेड बाई जेड, फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड, अगर ये मैक्सिमम चाहिए मुझे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी प्लस माइनस, तो मैक्सिमम टर्म के लिए रिजल्ट क्या निकल के आएगा यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम टर्म के लिए रिजल्ट आएगा डेल जेड अपॉन जेड एन रेज टू पावर डेल ए बाई ए, यानी इसको इस तरीके से सोल्व किया जाएगा, यानी फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू एन टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, एक बार फिर से गिवन कंडीशन, इनको एरर की फॉर्म में लिख लिया जैसे कि हमेशा लिखते आए हैं, इसको जड़ से डिवाइड कर दिया, यहां से ए मैंने कॉमन लिया और ए एन से डिवाइड कर दिया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया वन बच गया, इसके नीचे जड़ अलग कर दिया वन आएगा, इसके नीचे जड़ अलग कर दिया ये आ गया, सिंपल इसको जस्ट बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, ये टर्म याद रखनी है आपको बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। अब जैसे जर्नलाइज फॉर्म, ये तो एक टर्म क्यों हो गया, अगर मैं ये कह दूं तुम्हें ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन अपॉन सी रेज टू पावर क्यू, इसको सोल्व करो तो इसको भी आप इसी तरीके के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है यानी जेड को डेल जेड बाई जेड जैसे कि ये हुआ है, ठीक है फिर क्या हुआ है पावर आगे आई, इसकी पावर आगे आ जाएगी एम, ए को क्या लिखूंगा डेल ए बाई ए प्लस एन आगे आ जाएगा डेल बी बाई बी प्लस क्यू आगे आ जाएगा डेल सी बाई सी, एक बात याद रखना c अपॉन में जरूर आ रहा है लेकिन फॉर्मूला इसका यही बनेगा, ठीक है यानी पावर की फॉर्म को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, फ्रैक्शनल एरर में टूटते चले जाते हैं और पावर आगे आते चली जाती है, बस यही केस है उसका। अब इससे ये कैसे आया आप ये सोच रहे हैं, तो रटने वाली बात नहीं है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा, थोड़ा सा लॉग वगैरह का यूज होगा, तो आप प्लस वन में आए हो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं थोड़ी बहुत तो आपको आ सकता है समझ में, ठीक है वरना फिर आप इसको रटोगे तो मैं नहीं चाहता आप इसको रटो, तो हम इसको ये इस वाली रिजल्ट से ये फॉर्मूला कैसे बन गया है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं यही वाली टर्म लूंगा तो पजल होने की बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल आएंगे, ये चीजें जो मैं करवा रहा हूँ डेराइव, ये डेराइव कभी नहीं पूछा जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, आते न्यूमेरिकल ये इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल तो बड़े सिंपल है, न्यूमेरिकल देखिए हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मैंने क्या लिया था कि z इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन अपॉन सी रेज टू पावर क्यू, मैंने ये टर्म लिए
और हमें फाइंड आउट ये करना है, तो देखिए क्या करने हैं हम। सबसे पहली जो टर्म है हमारी, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने का सबसे बढ़िया तरीका है लॉग लेना। तो इसका लॉग लेंगे हम, लॉग जड़, जड़ का लॉग क्या हो गया, लॉग जड़। अब ये देखिए, इसका लॉग लूंगा लॉग ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन अपॉन लॉग सी रेज टू पावर क्यूब। आई होप ये बहुत ही इजी स्टेप था, आपको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ लॉग ही लगाना है। अब जरा देखिए, मैं कुछ एक फॉर्मूलाज लिखता हूँ जो कि नॉर्मल मैथ्स में यूज होते हैं। लॉग एम अपॉन लॉग एन, इसको बोला जाता है लॉग एम माइनस एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे देखो, लॉग ये पूरा क्या बन गया एम, और ये पूरा क्या बन गया सी रेज टू पावर एन। तो इसको इस तरीके से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, लॉग जेड लॉग ए एम बी रेज टू पावर एन माइनस लॉग सी रेज टू पावर क्यूब, आ गया लॉग एम माइनस लॉग एन। अब इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, इसको भी एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है ए एम प्लस लॉग बी रेज टू पावर एन लॉग सी रेज टू पावर। इसको जब मल्टीप्लाई का केस आता है तो प्लस हो जाता है, जब डिवाइड का केस आ जाता है तो माइनस हो जाता है। मतलब ये लॉग एम इंटू लॉग एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एम प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। डिवाइड के केस में माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाता है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। टेंथ क्लियर करके आए हो, इतना आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला आपके सामने है, पुटी तो किया है। तो बहुत ईजी स्टेप है ये हमारे, कि लॉग ए और लॉग बी मल्टीप्लाई के केस में है तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। फॉर्मूला देखिए ये बन रहा है, अगर लॉग मल्टीप्लाई में है तो उनको अलग अलग करेंगे तो प्लस की फॉर्म में लिखा जाता है, और जैसे ही अपॉन में आ जाते हैं यानी लॉग सी अपॉन में है तो वो माइनस में आ गए, दैट्स ऑल। तो ये लॉग का पहला स्टेप था आपका, जो मैंने डिटेल में करवा दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। अब देखो लॉग जड़ को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, डेल जड़ अपॉन जड़, ये फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ पे, जैसे लॉग एम रेज टू पावर एन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और लॉग एम, ठीक है। और इसका तो आपको मालूम है फिर क्या हो जाता है लॉग एम का, इस तरीके से। तो इसका क्या बनेगा देखिए जरा, एम लॉग ए का डेल ए अपॉन ए प्लस एन आगे आ जाएगा, और लॉग बी का डेल बी बाई बी माइनस क्यू आगे आ जाएगा, लॉग सी का डेल सी बाई सी, क्लियर है। अब बात सिर्फ इतनी है, अगर इसको मैक्सिमम चाहिए तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हर एक माइनस क्या बन जाता है प्लस। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम डेल ए बाई ए एन डेल बी बाई बी क्यू डेल सी बाई सी, क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, आ गए ना सेम रिजल्ट। तो कुछ मत सोचिए, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है डिफरेंशिएशन और लॉग वाला सिस्टम, तो मैं कहता हूँ इतना माइंड पे स्ट्रेस मत डालिए, आप सिर्फ इतना याद कीजिए, अगर कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पावर की फॉर्म में, तो पावर को आगे ले आना और उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके का, जैसे 2r है, सॉरी 2r स्क्वायर है, इसको करना है तो 4 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4, और r को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल r अपॉन r की फॉर्म। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पावर की फॉर्म में है। तो हमने 5 केस पढ़े हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा पजल मत होना, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को बार बार, तो मैंने बताया था तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन
डिवीजन और पावर। इसका रिजल्ट आया था डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए डेल बी। इसका रिजल्ट आया था सेम, इसका रिजल्ट आया था फ्रैक्शन में इसका रिजल्ट भी सेम आया था। और इसका रिजल्ट कितना आया, सेम आया एन डायरेक्ट। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब ये आए कहां से हैं, मैंने तो बता दिया आए कहां से हैं, मैंने इनका डेरिवेशन करवा दिया, बट आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, डेराइव करना बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम्स में, बट पता होना चाहिए कि कहां से, ठीक है, वो चीज़ें, ये चीज़ें कहां से आई हैं। प्रूफ हर एक चीज़ का होना चाहिए, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, नॉर्मल क्लास टेस्ट में पूछ लेते हैं कई टीचर, ठीक है। तो अगर हमने करवाया है तो हम पूछ भी सकते हैं आप लोगों से, बट ज़्यादातर केस में 90% केस में क्या है कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इनके ऊपर, और मेनली वही है न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादातर फिजिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट टू वीडियोस में, एक वीडियो बनाएंगे हम इनके ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर, ठीक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक वीडियो में इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं, अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या पावर ऑफ 10 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था क्योंकि लॉग और डिफरेंशिएट का केस आया, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैथ वालों के लिए तो ये है कि प्लस टू में भी ये यूज होंगे और प्लस वन में भी आएंगे थोड़े बहुत ये, बट बायो वालों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, बेसिक बेसिक चीज़ें यूज होती हैं फिजिक्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही।